नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आपको यॉर्कर बॉल कैसे डालनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप यॉर्कर बॉल डालने जाते हैं तो ये सब तो आप जानती है कि आपको जैसे आप बॉल को ग्रिप करते हैं आपको उसी तरीके से ग्रिप करना रहता है फास्ट बॉलिंग के लिए, ठीक है ना। तो मगर बॉल को जिस तरीके से आप रिलीज करते हैं वो चीज मेन रहती है यॉर्कर बॉल डालने के लिए, ठीक है ना। आपको जब भी यॉर्कर बॉल डालना रहता है तो आपको क्या करना रहता है, देखिए आपका सबका एक्शन इस तरीके से रहता है नॉर्मली, ठीक है ना। तो क्या करना रहता है, जब भी आप यॉर्कर बॉल डालते हैं तो सबसे पहली चीज आपको आपके जो लेफ्ट हैंड है, जो फ्री हैंड रहता है आपका, उससे आपको एम करना है कि आपको बॉल को कहाँ टप्पा खिलाना है, कौन सी लाइन में। तो आपको इस हाथ से एम करना रहता है जब भी आप बॉल डालते हैं, आप देखते होंगे बॉलर को, तो इस हाथ से आपको एम करना रहता है। ये हो गई पहली चीज, ठीक है ना। अब दूसरी चीज क्या है, जब भी आप यॉर्कर बॉल डालने जाते हैं तब क्या करना चाहिए, आपको बॉल को आपके कान के पास से रिलीज करना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से जब आपका हाथ आ जाता है तब आपको बॉल को रिलीज करना चाहिए कान के पास से। अगर आप इसको आगे से रिलीज करेंगे इस तरीके से तो बॉल बाउंसर जाएगी, और अगर पीछे से करेंगे तो शायद फुल टॉस जाए या थोड़ी और ऊपर जाए बॉल, ठीक है ना। तो इस तरीके से जाएगी बॉल। अगर आप परफेक्ट उसको कान, जैसे आपका हाथ कान के पास आता है आप उसी टाइम पे बॉल को रिलीज करते हैं तो बॉल यॉर्कर जाएगी। तो ये चीज इतनी आसान है नहीं दोस्तों, क्योंकि देखिए 6 में से 6 यॉर्कर तो कोई नहीं डाल सकता, 6 में से 6 बॉल आप डाल रहे हैं तो यॉर्कर डालना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई नहीं डाल सकता, डाल सकते हैं मगर बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आप 6 में से 2 यॉर्कर भी, 6 बॉल में से अगर आप 2 यॉर्कर भी डाल लेते तो आपको तो विकेट मिलना तय है, ठीक है ना। देखिए यॉर्कर बॉल में क्या होता है, अगर आप जरा सी भी लेंथ चुकेंगे तो या तो फिर वो बॉल लेंथ बॉल हो जाएगी, ठीक है ना, तो बैट्समैन शॉर्ट पिक करके मार देगा, ठीक है ना। और अगर आप थोड़ी सी आगे डाल देंगे तो बॉल फुल टॉस बन जाएगी तो भी बैट्समैन मार लेगा। तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है यॉर्कर बॉल में, आपको एकदम परफेक्ट जहां टप्पा खिलाना है आपको वहीं टप्पा खिलाना पड़ता है बॉल को। तो देखिए दोस्तों, आपको यॉर्कर बॉल डालने के लिए कौन से एरिया में फोकस करना चाहिए और कहाँ बॉल को टप्पा खिलाना चाहिए, देखिए आपको क्या करना चाहिए, आपको बैट्समैन के आगे वाले पैर पे देखते रहना चाहिए और वहीं पे बॉल को टप्पा खिलाना चाहिए, वहीं पे आपको फोकस करना है, ठीक है ना। अगर देखिए, अगर बैट्समैन शफल कर रहा है इस तरीके से इधर उधर हो रहा है तो आप क्या कीजिए, आप सिंपली क्रीज पे टप्पा खिलाने की ट्राई कीजिए, बॉल को जो क्रीज रहती है उस पर आप बॉल को टप्पा खिलाइए, ना कि पैर पे। अगर बैट्समैन शफल कर रहा है तो, या नहीं तो फिर आप बैट्समैन के पैर पर ही आप टप्पा खिलाने की ट्राई कीजिए। जब भी आप बॉल डालने आते हैं तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए, अगर आपको यॉर्कर डालनी है तो आप बैट्समैन के पैर के इस तरफ इस सर्कल में आपका ध्यान होना चाहिए कि आपको यहीं बॉल को टप्पा खिलाना है, और आप ट्राई कीजिए कि आप बॉल को यहीं टप्पा खिलाएं। तो जैसा कि देखा अभी आपको दोस्तों कि आपको बैट्समैन के पैर के जो एरिया, जो सर्कल है वहीं पर आपको बॉल टारगेट करते हुए डालनी है, ठीक है ना। तो ये चीज अब कैसे होगी, आपको इसकी पहली तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मगर मेन चीज है फोकस, ठीक है ना। जैसे हम बैट्समैन को बोलते हैं कुछ मत सोचो, बस बॉल पे कॉन्सेंट्रेट करते रहो, ठीक है, उसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको बस बैट्समैन का पैर देखते रहना है। अगर वो पैर हिला रहा है, शफल हो रहा है, ऐसा कुछ स्टांस ऐसा शफल कर रहा है तो क्या करना है, आप क्रीज पे टारगेट कीजिए, क्रीज पे आप देखते रहिए, मतलब एक सब घूर के नहीं देखते रहिए, आपके माइंड को शांत रखिए और आराम से देखते रहिए उसी एरिया में, और वहीं पे फोकस करते हुए बॉल डालिए। आप जहां पे आप देखते रहेंगे, फोकस करेंगे, उसी एरिया में बॉल टप्पा खाएगी, ये आपका इंस्टिंक्ट में रहता है, कोई आपको आके नहीं सिखाएगा कि ये चीज करना, ये आपके इंस्टिंक्ट में रहता है कि जहां आप बॉल देखेंगे आप वहीं पे बॉल को टप्पा खिलाएंगे। तो ये चीज ऐसे एक दिन में आपको नहीं आ जाएगी, ये चीज आपको प्रैक्टिस करते करते आएगी। तो देखिए क्या करना है, एक चीज की जो मैंने आपको बताई कि आपको बॉल को कान के पास से रिलीज करना है, तो इस चीज की आप प्रैक्टिस करो। अगर आप ऐसे नहीं आप भाग के आ रहे हैं उससे आप प्रैक्टिस मत कीजिए, आप क्या कीजिए, आप सिंपली जगह पे खड़े रहिए और इस तरीके से डालने की प्रैक्टिस कीजिए। ये चीज हार्ड है दोस्तों, मुझे मालूम है। और जो दूसरी चीज मैंने बताई वो आपको क्या करना है, आपको आपके जो लेफ्ट हैंड है, जो आपका फ्री हैंड रहता है, ठीक है ना, उस हाथ से आपको एम करना है बॉल डालते टाइम कि आप कहां पे बॉल को टप्पा खिलाना चाहते हैं, ठीक है ना, उस हाथ से आपको एम करना है और फिर बॉल डालनी है। और दोस्तों जैसे अगर आप आपका जो फ्री हैंड नहीं रहता है, जैसे आपको मैंने बताया ये आप फ्री हैंड करके एम बना के बॉल डालिए, मगर कुछ बॉलर का एक्शन में अलग रहता है, अंतर रहता है। जैसे भुवनेश्वर कुमार, वो अपने एल्बो से एम करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसा एक्शन रहता है उनका, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, वो अपने एल्बो से एम करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से जब वो उनका एल्बो उनके आंख की लाइन में, आई लाइन में आता है तब वो एम बना लेते हैं और फिर बॉल डालते हैं इस तरीके से। तो वो एम करते हैं अपने एल्बो से, वो अपना हाथ खोल के नहीं डालते, मगर ज्यादातर बॉलर तो अपना जो अपना लेफ्ट हैंड रहता है, मतलब जो भी फ्री हैंड रहता है उसको ऐसे खोलते हुए ही एम करते हुए बॉल डालते हैं। तो आपको भी उसी तरीके से एम करना है, आपको बॉल को कहाँ टप्पा खिलाना है
और कुछ नहीं सोचना है, फोकस करना है आपको कहाँ टप्पा खिलाना है, बैट्समैन के पैर पे आपको फोकस करते रहना है और फिर जाएगी, डेफिनेटली जाएगी। अगर आप अच्छे से फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करके बॉल डालेंगे तो डेफिनेटली यॉर्कर बॉल जाएगी। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए, होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसी टेक्निक सीख पाए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों तो आप सिंपली जा सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे और मुझे मैसेज करके बता सकते हैं आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।